बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जी तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे दोस्त परेशान होते हैं क्योंकि उन लोगों की परेशानी का हल ये है कि चैनल पर कॉपीराइट आ जाता है, चैनल मोनेटाइजेशन नहीं होता, मोनेटाइजेशन के लिए डिसेबल हो जाते हैं। अगर आपकी वीडियो हद से ज़्यादा वायरल होगी, 1 मिलियन 2 मिलियन पर चलेगी, उसके ऊपर क्लेम आ गया है, तो आप लोग कैसे हटा सकते हैं? आज इस वीडियो में क्लेम हटाएंगे क्योंकि एक चैनल पर वीडियो एक वीडियो पर और एक मेरे पास चैनल आया हुआ है एक चैनल आया हुआ है जिसके एक वीडियो पर क्लेम आ चुका है। वो क्लेम आज हम हटाएँगे। उसका हटाने का तरीका और उसका प्रोसेस जो भी होगा इसी वीडियो में मुकम्मल आप लोग जानिए, मगर वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि अगर आप वीडियो एंड तक देख लेते हैं तो आप लोगों को सही तरीके से क्लेम हटाने का तरीका समझ आ जाएगा। और दूसरी बात आपको ये भी बता दूं, अगर किसी वीडियो पर क्लेम आ गया, आपकी वीडियो वायरल हो गई, तो उससे चैनल मोनिटाइज नहीं होगा, उसका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। ये आप लोगों के जहन में हो, क्योंकि अगर आप लोग कॉपीराइट क्लेम हटा देते हैं तो फिर वो काउंट होगा, उसके व्यूज़ भी काउंट होंगे, चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाते हैं। लेकिन काफ़ी सारे दोस्त ये भी कमेंट्स करते हैं, आप लोगों को ये भी बात बता दूं कि कहते हैं सर मोबाइल पर समझाया करें, मोबाइल पर मैं कैसे समझा सकता हूँ, छोटे छोटे लफ्ज़ होते हैं, आप लोगों को भी समझ नहीं आएगी। पीसी पर समझाने का मकसद ये होता है, सेम प्रोसेस होता है। आप लोगों ने गूगल क्रोम ओपन करके, अपना चैनल ओपन करके वाइट स्टूडियो ओपन करना है, कस्टमाइज पर क्लिक करके, उसके बाद यही प्रोसेस आ जाता है जैसे मैं पीसी पर ओपन कर रहा हूँ। और चलते हैं पीसी पर, आप लोगों को दिखाता हूँ कि कॉपीराइट क्लेम कैसे हटा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने अपना पीसी पर क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है। यहाँ पर हम अपने चैनल का वाइट स्टूडियो ओपन करते हैं। जैसे हम वाइट स्टूडियो ओपन करते हैं, यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि यूट्यूब वाइट स्टूडियो, ये देखें यूट्यूब स्टूडियो पर हमने जैसे क्लिक किया, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आया। बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है जैसे आप लोग मोबाइल पे कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखें जिस वीडियो पर क्लेम आया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें इस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ चुका है। देखते हैं अभी क्लेम कहाँ से आया है और कैसे आया है। ये देखें इस वीडियो पर 3 कंपनीज़ का क्लेम आ चुका है, ये देख सकते हैं। एक का क्लेम आया 1 मिनट 20 सेकंड तक, एक का आया 1 मिनट 49 सेकंड तक, एक का आया है 3 मिनट 12 सेकंड तक। वीडियो टोटल है 5 मिनट 31 सेकंड की, ये देख सकते हैं। यहाँ पर जो लाइनें छोटी छोटी नज़र आ रही हैं, ये क्लेम ही है क्योंकि ये ऑर्गेनिक की ऑडियो है, उसने खुद ही रिकॉर्ड की थी, मगर उसके ऊपर फिर भी क्लेम आ गया, वो भी मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो में। आप चलते हैं इसका क्लेम हटाने के लिए, इसको ओपन करते हैं, इसका क्लेम कैसे हटाया जाए। यहाँ पर देखें, जैसे आप लोग इस तरह का आप लोगों के सामने इंटरफेस आएगा, यहाँ पर एडिटर पर क्लिक करेंगे, वीडियो के एडिटर पर आप लोगों के सामने इस तरह का एलिमेंट्स आएगा, ये देख सकते हैं। यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि क्लेम कहाँ कहाँ आया हुआ है। देखें ना, हम ऑडियो को यहाँ पर प्लस पर करते हैं, ये देखें यहाँ पर हम कोई भी म्यूज़िक ऐड कर देते हैं, एक मिसाल के तौर पर ये वाला हम इसको ऐड करते हैं। जैसे हमने इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद हम इसको करते हैं सेव। कोई भी फ्री कॉपीराइट म्यूज़िक आप लगा सकते हैं यूट्यूब की तरफ से। यहाँ पर आप चेक करते हैं क्या सीन है इसका। देखो, हमने सेव कर दिया है, उसके बाद हमने बैक करना है इसको। अब देखते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, अभी चेकिंग में है, आप लोग देख सकते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद देखते हैं कितना कॉपीराइट बच चुके हैं और कितना इसके हट गए हैं। 3 कॉपीराइट थे और यहाँ पर अभी तक चेकिंग में है, आप लोग देख सकते हैं। अभी थोड़ा अपडेट हो जाए, ये देखिए प्रोसेस में चल रही है वीडियोस। यहाँ पर देखते हैं कोई कॉपीराइट है या हट गए हैं। वीडियो एडिटिंग इन प्रोग्रेस, क्योंकि हमने वीडियो एडिट किया है, वो इन प्रोग्रेस में ही जा रही है, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर दोबारा हम रिफ़्रेश करते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें ऑडियो न्यू अपडेट की है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम मांग रहा है लोडिंग पे। इस कलाम को हम दोबारा एडिट करते हैं, इसमें हम मज़ीद थोड़ी कुछ चेंजिंग करते हैं। एडिट पर क्लिक करके आप लोग, फ़र्ज़ किया आप लोग नहीं लगाना चाहते म्यूज़िक मिसाल के तौर पर, या आप लोग चाहते हैं वो पार्ट हम स्किप कर दें, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। अभी चेकिंग में जा रही है वीडियोस, जैसे चेकिंग से हटेगी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। जी फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप